सवाल जो हर तरह के इंग्लिश टेस्ट पेपर में आता है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है। हो सकता है वो किसी कहानी का पार्ट हो या फिर हो सकता है वो किसी कविता का पार्ट हो। उस पैसेज को पढ़कर उससे रिलेटेड सवालों को बच्चों को सॉल्व करना होता है। कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो या फिर कोई भी और लैंग्वेज आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसमें जरूर आते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन इंग्लिश टेस्ट पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में बच्चे फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अगर वो 5 नंबर का है तो पूरे 5 अंक उन्हें मिल सकते हैं। बस थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स उनको समझना चाहिए, जिससे वो कितना भी बड़ा पैसेज हो बस चुटकियों में इसे सॉल्व कर लेंगे और हर एक आंसर सही होगा। इसके लिए मैं आपको 5 चीजें बता रही हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। सबसे पहली बात, आपको रीडिंग की हैबिट डालनी होगी। कुछ भी आप पढ़े, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, टेक्स्ट बुक हो, स्टोरी बुक हो, नॉवल, कुछ भी, लेकिन आपको पढ़ने की आदत डालनी होगी। इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, नए नए शब्द आपको समझ में आएंगे और उन शब्दों को वर्ड में, सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि वोकैबुलरी अगर आप अलग से लर्न करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, जो भी है उसका मतलब वर्ड बाय वर्ड आपको मतलब तो समझ में आता है, लेकिन उन वर्ड्स को किस तरह से अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, ये आपको तभी ठीक से समझ में आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करेंगे। ये तो हुई बेसिक चीज। अब आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स पर। नंबर 1, आपको एक बात समझनी है कि जो पैसेज में लिखा है उसके अनुसार ही आपको सवालों के जवाब देने हैं। अगर पैसेज में कोई गलत इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन क्वेश्चन जो उस पैसेज के आधार पे पूछा जाता है उसके ही बेसिस पर आपको आंसर देना है। मान लीजिए पैसेज में लिखा है कि सन राइजेस इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम से उगता है। वैसे लॉजिकली ये स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फ्रॉम विच डायरेक्शन सन राइजेस, तो आपको आंसर में वही लिखना है जो पैसेज में मेंशन है। पैसेज में मेंशन है कि सन राइजेस इन द वेस्ट, तो वही आपका आंसर होगा। आपको सन राइजेस इन द ईस्ट नहीं लिखना है, क्योंकि पैसेज में लिखा है कि सन राइजेस इन द वेस्ट। पॉइंट नंबर 2, आपको क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। जो दिए गए 5 या 6 क्वेश्चंस होंगे उसको आप रीड करें, उसके बाद आप जो पैसेज दिया गया है उसे रीड करना शुरू करें। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आपने पढ़ा है उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, और जब आप पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स जहां जहां पर भी होंगे वो आपको क्लिक करेगा और आप उसे मार्क कर सकते हैं। तो आपका स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1, आपको दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ना है। स्टेप नंबर 2 होगा कि आपको दिए गए पैसेज को पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3, अगर कोरोना जैसी स्थिति ना रहे तो स्कूल के सभी एग्जाम ऑफलाइन होते हैं, यानी टेस्ट पेपर आपको दिया जाता है, साथ ही आपके पास आंसर शीट होती है और पेन पेंसिल भी होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पैसेज पढ़े तो आपको अपना पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करना है, और जो पैसेज में जो भी इम्पोर्टेंट लाइन लगती है वो आपको अंडरलाइन करते जाना है। साथ ही क्वेश्चन आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको आंसर दिख रहा है तो उसे भी मार्क करते जाना है। इससे पैसेज के इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन को समझने में आपको आसानी होगी, और जब आप वापस क्वेश्चन को देखेंगे तो उससे रिलेटेड आंसर्स कहां पर मिलेंगे वो आपको फटाफट से पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, पैसेज जो दिया गया होगा हो सकता है छोटा हो या फिर हो सकता है काफी लंबा हो सकता है कविता का पोर्शन हो जिसे आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे तभी आप ये कोशिश करें कि उसके एक एक लाइन के मतलब को समझते जाएं। चाहे आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाए, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि फर्स्ट टाइम जब आप रीड कर रहे हैं उसी समय आप पैसेज को अच्छी तरह से समझ लें। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि बहुत ही स्पीड में आपने पूरा पैसेज तो पढ़ लिया लेकिन उसमें से केवल कुछ चीजें ही आपको समझ में आई, ज्यादातर चीजें आपको समझ में ही नहीं आई, जिसकी वजह से उस पैसेज को आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ रहा है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इससे बेहतर है कि फर्स्ट टाइम आप जब पैसेज को रीड कर रहे हैं तो अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो रख के हर एक लाइन को समझते हुए आगे बढ़े।
अगर आपको जरूरत लगती है तो आप सेकेंड टाइम भी रीड कर सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार आंसर ढूंढने के लिए। पॉइंट नंबर 5, पैसेज से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस मिनिमम हर एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो ट्रिकी होता है। आपको क्या करना है, जो इजीएस्ट क्वेश्चन है उसको पहले आंसर करना है। और एक सवाल ऐसा है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये कि 4 तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इन दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट पैसेज के अनुसार सही नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इस आंसर को सॉल्व करने के लिए आपको पैसेज हो सकता है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़े, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आखिरी में सॉल्व करें, पहले जो इजी वाले क्वेश्चन है जो लेस टाइम टेकिंग है उसे सॉल्व करें। उम्मीद करती हूँ इस 5 इंपॉर्टेंट टिप्स को आप ध्यान में रख के कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूजफुल इन्फॉर्मेशन और एडुकेशन रिलेटेड वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।